everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आए हुआ हूँ मैं मुक्तेसर में। एक्चुअली कल रात आ चुके थे यहाँ पे हम। मॉर्निंग का टाइम है, अभी बारिश हो रही है हल्की फुल्की, अच्छा मौसम हो गया। तो जहाँ हम रुके हैं ये रिजॉर्ट है नीलकंठ नाम का, एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स का ही है रिजॉर्ट, काफ़ी अच्छी जगह पर कैंप साइट है, कैंप एरिया है इनका। तो रोड से लगभग आधा किलोमीटर चलना पड़ता है, चढ़ाई है थोड़ा। आग जला के ही बैठे हुए थे कल रात, बॉनफायर एरिया है ये बना है फोटो खिंचवाने के लिए कपल्स के लिए। ठीक, यह काफल का पेड़, काफल लगे हुए हैं, तोड़ते हैं कुछ। काफल तोड़ते हुए पहाड़ों में पक रखे हैं, बढ़िया है। तो ला रहा हूँ, तोड़ कर दिया ले। फ्रेश काफल। ये देखो भैया, काफल बढ़िया पक रखे हैं। मजा आ रहा है। तो वो क्या, एक और पेड़ है यहाँ पे काफल का, बहुत पके हुए हैं। बढ़िया जगह पे है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी दिखाता हूँ आपको यहाँ की। ये रास्ता गया किचन को और यहीं से आगे रूम्स बने हुए हैं, वो जंगल के बीच में है। सब जगह काफल के ही पेड़ दिख रहे हैं हमें। मार्केट में चल रहा रेट 200 रुपये किलो, यहाँ फ्री में मिल रहे हैं काफल। इस रूम में रुका हुआ था मैं। ये है एक रूम ही भाई साहब, ऑफिस का काम चल रहा है इनका, जहाँ देखो वहीं लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं। अरे मेहता जी, क्या चल रहा? भाई गेम खेलते रहो तुम, यहाँ एंजॉय मत करो। ये है व्यू यहाँ का। इस साइड भी पूरा गार्डन है बना हुआ। ये है पूलम, अभी पके नहीं है, कच्चे हैं। ये आड़ू के पेड़, पीच जो होता है। फ्री में अवेलेबल है यहाँ पे सब कुछ, पूरा गार्डन एरिया है इनका बना हुआ। ये एप्पल, ये है असली चीज तो मरिजुआना, शौकीन लोगों के लिए। ये एप्पल भी लग गए हैं। अभी 2-4 महीने में एकदम रेडी हो जाएंगे खाने लायक। नीचे भी बहुत बड़ा गार्डन है इनका, एप्पल गार्डन। बड़ी मस्त जगह पे बना रखा भाई ने प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी जगह पे बनी हुई है। वेदर भी आज बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है। और जगह जाने का प्लान था लेकिन बारिश की वजह से भी जा नहीं पा रहे हैं, तो यहीं रुके हैं। हमने कहा यहीं कर लेते हैं ब्लॉगिंग, अभी चलते हैं ऊपर और रूम दिखाता हूँ आपको। इसके नीचे भी एक रूम बना हुआ है, दो रूम हैं।
एक रूम है सामने, नाइट में अगर व्यू और अच्छा हो जाता है जब ये लाइटें जलती हैं इधर, और एक रूम है ऊपर, अनदर डे इन पैराडाइस। इधर है किचन एरिया, साइड किचन है, इधर डाइनिंग कैफे, बंदे हैं अंदर। बैठने के लिए बहुत अच्छा है इधर, आराम से अपना जमीन में बैठ के, टेबल लगी हुई है छोटी छोटी, डाइनिंग एरिया है। ये देखो पुराने टायर का सदुपयोग ऐसे होता है, इतना दिमाग लगाया भाई ने। जैसे गर्मियों का मौसम है आजकल, लेकिन यहाँ आके लग नहीं रहा है गर्मियों का मौसम है, बिल्कुल एकदम कूल वेदर हो गया। और हाँ, ये टेंट भी प्रोवाइड करते हैं, रूम्स तो हैं, 3-4 रूम्स हैं, और टेंट भी आपको मिल जाएगा। टेंट भी लगा हुआ है, दिखा दो आपको अंदर। खतरा ये कोई अंदर है तो नहीं इसके, खोल के देख लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। क्यों, ओहो अभी यहाँ रेडी नहीं है ये भाई लोगों का जो स्टाफ है वो रहते हैं शायद यहाँ पे अभी। ये भी बॉनफायर एरिया है, टेंट वगैरह भी लग जाते हैं यहाँ पे जब क्राउड आता है तो। विंटर में और अच्छा हो जाता है यहाँ का व्यू, क्योंकि बर्फ गिरती है, बर्फ बहुत गिरती है यहाँ भी। ये बांज के पेड़, और ये है यहाँ के सफाई कर्मचारी, दिल्ली से खास बुलाए गए हैं पीली जैकेट के साथ, पीली जैकेट पहने हुए। तभी तो ऐसे लोगों को नहीं लाते हम, लेट नहीं गए वो, आराम से रिलैक्स कर। ये लेट जा, लेट जा, एक ये भी है, बॉम्बे से और उससे आए हुए लग्जरी, क्या बोलते हैं, बॉम्बे टू हाई क्लास टूरिस्ट, ये है श्रीनगर से, श्रीनगर से का। और ये कहाँ से, नासिक से बुलाया गया, नासिक से बुलाया गया स्पेशल। और यहाँ आगे भी खुराबाद नहीं छोड़ी इस बंदे ने। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया हमारा, सब बराती बैठ गए यहाँ लाइन से। ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे, अचार, और क्या है, दही, रायता। यह चेतन भगत, इनकी बुक भी रखी हुई है, फटाफट वीडियो बना, भूख लगी है, सूतो। रिजॉर्ट से हम जा रहे हैं वापस, अभी रोड पर पहुंचने वाले हैं, अब देखते हैं कहाँ जाया जाएगा, इसके बाद प्लान करते हैं। इन दोनों को 4 बार ऊपर नीचे और चलाना पड़ेगा इनका मोटापा कम करने के लिए। योशी पेट निकल गए यहाँ बड़े बड़े। वो अभी आ गए हम मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में है। ये बोले ना, ये बजरंग मंदिर ऊपर, हाँ आओ जल्दी।
हाँ पहुंचे ठीक है। तो भोलेनाथ के दर्शन करके आ चुके हैं हम, अभी आ गए हम मुक्तेश्वर व्यू पॉइंट पे। व्यू पॉइंट दिखाता हूँ यहाँ का आपको, इधर मत। तो ये है मुक्तेश्वर का व्यू पॉइंट, काफी लोग आए हुए यहाँ पे। सामने व्यू देखिए कितना प्यारा है, नीचे देखने में तो डर लग रही क्योंकि बहुत रिस्की है। यहाँ से है जिपलाइन नीचे, हाँ कश्मीर अभी रुको तुमको है? नहीं नॉर्मल है। ये नाम लिखे हुए हैं लोगों ने अपने, काफी क्राउड है यहाँ पे। यहाँ से भी जिपलाइन है, जा रहे भैया उधर। एक बार नीचे भी देखो यार, तो डर निकलेगा आपका। हाँ ये नीचे पूरी खाई है यहाँ से। अभी आ गया हूँ ऊपर से नीचे, जो सामने चट्टान है वही व्यू पॉइंट है, वहाँ से भी मैं नीचे आ गया हूँ। और एक जिप लाइन आ रही है यहाँ से, और एक उस साइड से आ रही है जो मैंने ऊपर से दिखाई थी। अभी वीडियो नीचे से क्लियर नहीं आ रही है, नीचे पूरी खाई है। तो चार्जेस जो है यहाँ पे 500 पर पर्सन है 150 मीटर जीप लाइन का, और छोटे वाले का 300 चार्ज कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से निकलता हूँ मैं वापस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।